171 रनों की लीड के साथ भारत बहुत तेजी से दूसरा टेस्ट मैच को जीतने की तरफ बढ़ रही है। दूसरे दिन की खेल की समाप्ति तक भारत ने दूसरी पारी में 28 रन पर बिना विकेट खोए 28 रन बना लिए थे। जायसवाल 15 और रोहित शर्मा 13 रन बनाकर नॉट आउट थे। इस तरह से पहली पारी में इंडिया को 143 रनों की बढ़त मिली थी और इस तरह से कुल मिलाकर 171 रनों की लीड हो गई है। यहां से अगर भारत 250-300 और बना लेती है तो इस तरह से 450-400 रनों की बढ़त हो जाएगी, जिसे हासिल कर पाना इंग्लैंड के लिए लगभग नामुमकिन ही हो जाएगी। आज भारत ने 336 पर 6 से आगे खेलना शुरू किया और 396 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 209 रनों की पारी खेली। इस तरह से यशस्वी जायसवाल वर्ल्ड में तीसरे सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने इतनी कम उम्र में दोहरा शतक लगाया हो। जायसवाल के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज टिक नहीं सका और सभी जायसवाल को छोड़कर बाकी जितने भी बल्लेबाज थे सभी मिलकर 185 रनों का योगदान ही दे पाए। इंग्लैंड की तरफ से जेम्स एंडरसन सबसे किफायती बॉलर रहे, जिन्होंने 25 ओवर में मात्र 47 रन देकर 3 विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 253 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की तरफ से इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रॉली ने सबसे ज़्यादा 76 रनों का योगदान दिया और दूसरा सबसे ज़्यादा रन स्टोक्स ने बनाए 47। एक समय पर इंग्लैंड के 114 रनों पर मात्र एक विकेट गिरे थे और यहीं से शुरू होता है बुमराह का कहर। और बुमराह ने अकेले फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट लेकर इंग्लैंड का रीढ़ ही तोड़ दी। इसी के साथ बुमराह ने टेस्ट मैच में सबसे अच्छे एवरेज के साथ 150 विकेट पूरे कर लिए हैं। बुमराह ने 15.5 ओवर में 45 रन देकर 6 विकेट लिए मात्र 2.8 के इकोनॉमी के साथ। यहाँ एक तरफ अश्विन और मुकेश कुमार 5-6 का इकोनॉमी के साथ रन लुटा रहे थे, वहीं पर बुमराह मात्र 2.8 के इकोनॉमी के साथ 6 विकेट लेकर इंग्लैंड की पूरी तरह धराशाही ही कर दिया। कुलदीप यादव को भी 3 विकेट मिले और अक्षर पटेल को भी 1 विकेट मिला। बुमराह और जायसवाल के बदौलत इंडिया इस मैच को जीतने की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। जहां एक तरफ जायसवाल ने बल्लेबाजी की पूरी तरह से कमान संभाली है, वहीं बुमराह ने गेंदबाजी की। जिस तरह से इस फ्लैग पिच पर किसी भी फास्ट बॉलर के लिए विकेट निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, वहीं बुमराह ने आकर मात्र 45 रन देकर 6 विकेट लिए और उन्हें दुनिया को दिखा दिया कि उन्हें इतना महान बॉलर क्यों कहा जाता है। ऐसा लग रहा है कि ये मैच 4 दिन से ज़्यादा चलने वाला नहीं है और इंडिया इंग्लैंड को बहुत बुरी तरह से हरा कर श्रृंखला को 1-1 से बराबरी करेगी और वो दुनिया को दिखाएगी कि वो पहला टेस्ट मैच भले ही हार गई हो, लेकिन वो एक तुक्का था जो गलती से इंग्लैंड ने जीत लिया था।